Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine wherever you are. So today again packed with some grammar portion. तो आज वापस ग्रामर पोर्शन के साथ में मैं आपके सामने हूँ और टेंसेस के बाद में हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स किए, उसके बाद में इंटरोगेटिव फॉर्मेशन सीखा, नेगेटिव सीखा, WH सीखा और अब उसके आगे भी चलने की ज़रूरत है. सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गोइंग फर्दर. तो आज का टॉपिक बड़ा ही आसान है, क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, यू विल एन्जॉय एंड आई थिंक दोज आर वॉचिंग दे विल थिंक दैट यस नाउ दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग राइटिंग ऑल्सो एंड टू फॉलो द थिंग्स. तो देखते हैं क्या है आज. मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेशन और फॉर कम्युनिकेशन सॉरी टू कम्युनिकेट और फॉर कम्युनिकेशन. सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, संवाद करने के लिए हमें कितने प्रकार के वाक्य चाहिए. और ऐसा भी हेडिंग बन सकता था जो मेरे मुँह से एकदम आ गया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, वो भी अपन बोल सकते हैं. कितने तरह के मतलब एक ही है. डिक्लेरेटिव फर्स्ट ऑल, कथनवाचक जैसा मैंने आपको बताया था, कथनवाचक दो प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. इफ यू वॉन्ट टू गिव पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर एनी क्वेश्चन पुट टू यू, यू आर गोइंग फॉर द अफर्मेटिव एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द नेगेटिव वन, नेगेटिव. सो क्वेश्चन पुट टू यू, आंसरिंग कैन बी डन बाई अफर्मेटिव और नेगेटिव. डन. ओके द नेक्स्ट वन, आस्किंग द क्वेश्चन, इंटरोगेटिव. देर आर टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्क टाइप वेयर यू गिव पर्सन टू ऑप्शंस लाइक यस एंड नो, सो ही कैन रिप्लाई यस और नो इन अदर वे, करेक्ट. एंड देन यू हैव WH टाइप्स इंटरोगेटिव. इन दैट वंस यू आर पुटिंग लाइक वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू डू एटसेट्रा एटसेट्रा, देन यू गेट वन आंसर, यू गेट वन आंसर. अप टू हियर वी हैव कवर्ड, वी हैव डन सम फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल्सो, सम मोर आई विल बी गिविंग यू फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पसेज ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वेयर एवर एनी एग्जाम दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड. नाउ द टॉपिक फॉर द डे इज इम्परेटिव. इफ यू सी द मीनिंग इन द डिक्शनरी, अगर आप मीनिंग देखते हो डिक्शनरी में, देन यू विल फाइंड जरूरी लिखा हुआ. इम्परेटिव मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा इनलार्ज करके हमें देखने की जरूरत है. स्टेटमेंट्स जितने भी हैं, सजेशन वाले, एडवाइस वाले, वार्निंग वाले, इंस्ट्रक्शन वाले, ऑर्डर है या किसी को मना कर रहे हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन में ही आ जाता है. रिक्वेस्ट और भी मैं जोड़ देता हूँ, और प्लीज लगाने के बाद रिक्वेस्ट के उसमें कॉलम में आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कैमरा नहीं कवर करे. तो ये सारी चीज़ें इम्परेटिव में कवर आती, बहुत ही बड़ा एरिया हो गया हमारे पास में. अब जब इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, व्हेन वी सी द फॉर्मेशन, ओ माय गॉड इट्स सो इजी, अरे यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ. एंड हियर ओनली योर सेल्फ विल फील दैट वी नीड वर्ब्स, हमें वर्ब की जरूरत है. और जैसे आपको पता लगा कि यार वर्ब की जरूरत है, अगर मैंने वर्ब तैयार कर लिया, माई जॉब इज डन. तो इस प्रकार से यही पॉइंट है जहाँ से कोई भी बच्चों के लिए और जो भी लर्नर है, एबिनिशियोस जिनको कहते हैं, बहुत ही बिगिनर्स होते हैं, बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता था अंग्रेजी, लेकिन अब यहाँ से शुरुआत करनी है, दिस इज द पॉइंट इम्परेटिव. बल्कि मैं तो ये बोलूँ कि डे टू डे लाइफ में अगर आप सिर्फ बोलने के पर्पज से ही सपोज अंग्रेजी तैयार कर रहे हो, यू गो विद द इम्परेटिव फर्स्ट, देन यू लर्न अबाउट टेंसेज एंड ऑल, फ्रॉम हियर यू मस्ट स्टार्ट. लेकिन एकेडमिक्स के लिए जाएं तो पहले हमें टेंसेज सीखना पड़ेगा, वही बिकॉज फिलअप्स आते हैं वो भरना है. इसके भी फिलअप्स बनेंगे, बट नॉट दैट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, तुरंत पता लग जाता है. तो ये तीसरा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, हिंदी में भी होता है, ओह अरे यार ये हो गया, मतलब सडन बस अचानक ही कोई अभिव्यक्ति हमारे से निकलना, दैट इज व्हाट द एक्सक्लेमेटरी. इसके कुछ साइंस बना दिए गए हैं, सिंबल्स बना दिए गए हैं, उससे हमें जैसे एफ बी भी यूज़ कर रहे हो और कुछ गड़बड़ हो जाती है, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा लिखा हुआ आता है, आई होप काफ़ी लोगों ने देखा होगा. तो उप्स उसको आसानी है दैट कंप्यूटर को या जो भी सर्वर है जहाँ पर भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया या जो भी कह सकते हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर दिया जाए, तो इमीडिएटली उप्स मतलब कुछ
उसके सडन एक्सप्रेशन है। वैसे हमारे लाइफ में भी हो सकता है, ओह अरे यार ऐसा हो गया, लाइक वाइज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ यू रियली नीड टू कम्युनिकेट वेल, यू नीड ऑल दिस, एंड आउट ऑफ दिस वी हैव डन अप टू हियर। सो मैं आज आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। इसके भी बहुत ही आसान से फॉर्मेट है, मैं आपको अभी एकदम लाइव ही करके बताता हूँ। लिख के तो मैं थोड़ा सा इसलिए रख लेता हूँ कि आपका वीडियो थोड़ा छोटा बने, सो विल नॉट लूज मोर डेटास। आजकल डेटास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 GB में हमें बहुत सारी चीज़ें करना है। आई थिंक टिकटॉक तो आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर ही दिया होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग यूज़ कर ही रहे हैं, और बाकी यूट्यूब के और भी कई सारे वीडियोज़ लोग देखते रहते हैं, और भी बहुत सारा है। फेसबुक चलाने के लिए चाहिए, व्हाट्सअप चलाने के लिए चाहिए, तो हमें डेटास का भी परवाह है। हमें साथ में ये भी सीखना है, 1.5 GB या 2 GB का प्लान ले रखा है, तो उसी हिसाब से हमें देखना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि आपके वीडियोज़ छोटे ही बने, 15 मिनट, 16 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का, तो आप लोग देख पाओगे। तो चलो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो इम्परेटिव के जो फॉर्मेशन है वो क्या है? तो इम्परेटिव स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पहला अगर पैटर्न लिया जाए तो फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है वगैरह है जो भी है जुड़ता चला जाए। मतलब आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करना है, बेस फॉर्म, तभी मैं कह रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इसका नेगेटिव पार्ट बनाना है, डू नॉट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है जुड़ेगा, नहीं तो इट विल कीप ऑन गोइंग। डू नॉट की बजाय नेवर से भी नेगेटिव बना सकते हैं। नेवर का मतलब क्या होता है? जो कभी भी नहीं करें, ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है। आगे बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। फोर्थ में भी कुछ नहीं है, प्लीज़ लगा दिया। प्लीज़ लगाने के बाद में आप चाहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ले लो अगर आपका पॉजिटिव है, या आपके प्लीज़ के बाद में यहाँ पे फिर डू नॉट ले लो, और डू नॉट के बाद में अगेन यू राइट फर्स्ट फॉर्म एंड देन इफ इट इज़ देयर। एक थोड़ा सा अलग सा पैटर्न है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म, यूज होना फर्स्ट फॉर्म ही है। सो इट इज़ ऑल डन, ये फॉर्मेशन यूज होती है। अब मेरे पास जितने भी वर्ब होंगे इन सारे वर्ब्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ इस फॉर्मेट से। आई विल शो यू लाइव, और आपको आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इम्पेरेटिव्स आर। वाई? बिकॉज अगर आपको इम्पेरेटिव बोलना आता है तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल हैव पेसिव वॉइस टू मेक। ये एक्टिव है, अभी हम पेसिव में जाएंगे अगले क्लासेस में, तो पेसिव भी आपको बनवाएंगे इसी से। तो इसलिए इम्परेटिव जानना भी बहुत ज़रूरी है, एंड सो इम्पॉर्टेंट। तो हम देखते हैं अभी लाइव। अच्छा, इसका मैं मिटाने से पहले और बता दूं कि इसकी हिंदी ऐसे निकलती, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू गिव यू हिंदी। वाई? बिकॉज वी आर ऑल हिंदी स्पोकन, एंड कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमें थोड़ी हिंदी से हिंट मिल जाता है, तो हमारे मन में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वट एवर आई एम स्पीकिंग इज करेक्ट। नहीं तो क्या है, कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि whether what I spoke is correct or not, people may laugh at us like this, but if you know Hindi, कि इसकी हिंदी ऐसे निकलती है, naturally आपका confidence level बढ़ जाएगा। और ये नए दो में क्या आ जाएगा, या तो आप किसी को order कर रहे हो कि यार ऐसा करने दो, या आप खुद मांग रहे हो किसी से, तो ये request और order भी cover कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये formation हो गई आपकी। चलो तो फिर देख लेते हैं quickly कि अगर हमारे पास में verbs हैं, हमारे पास verb, चलो मैं common verb भी लिख लेता हूँ ऊपर में, तीन चार बहुत ही कॉमन जो फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही हमें चाहिए और हमें आता भी है, एवरीवन नोज, इवन जो लोग एकेडमिक्स में भी नहीं है वो भी। चलो कम का ले लेते हैं, मान लो गो का ले लेते हैं। ओके, स्लीप ले लेते हैं। ओके, उसके बाद में स्टार्ट ले लेते हैं, सपोज स्टॉप ले लेते हैं। ओके, ऐसा यूज़ करके देख लेते हैं अभी। तो मान लो कि मैं पहला कम का प्रयोग कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ? किसी को मैं बोल रहा हूँ कम हियर, ये बार फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव अगर मुझे बनाना, कम के ही सारे ले लेता हूँ पहले, डोंट कम हियर, यहाँ मत आना। ओके, उसके बाद में गो इमीडिएटली, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अभी ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा वर्ब लेना पड़ेगा। चलो गिव ले लेता हूँ, तो आपको एक यू से करके बताऊँगा। ओके ओके, गो इमीडिएटली, तुरंत जाओ यहाँ से, ठीक है। ओके, गिव मी योर पेन,
ये आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। योर पेन भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, तो आपको समझ में आ गया। तो देखो मैंने फर्स्ट फॉर्म का हो गया नेगेटिव। अच्छा टेल का एक ले लेते हैं, ये भी यूज हो जाएगा। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। बोलते रहते हैं हम लोग, वैसे जरूरत पड़ जाती है बोलने की, अदरवाइज कई बार मामला गड़बड़ हो सकता है, तो इसीलिए। पर टीचर्स हैं, जो किड्स हैं उनकी मदर हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता, वो सब बोलते रहते हैं कभी झूठ मत बोलो, चाहे खुद भी झूठ बोलते हो, तो नेवर टेल ए लाई। ओके ये हो गया। अब मैं इनमें अगर मान लो प्लीज़ लगा देता हूँ, प्लीज़ डोंट कम हियर, मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो रिक्वेस्ट हो गया, वो रिक्वेस्ट वाले में आ गया, प्लीज़ डोंट कम हियर, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, सपोज आई से प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, आप समझ सकते हो कि आपको सिर्फ वर्ब ही चाहिए। ओके ये हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ लेट मी, और यहाँ पे वर्ब है, यहाँ ऐसे मैंने ब्लैंक भी बना दिया है और ये वर्ब ले लिया। लेट मी स्लीप, मतलब आप किसी को कह रहे हो मुझे, मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ, सोने दो, आ गया ना, नहीं दो, तो आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि मुझे सोने दो। तो काफ़ी कुछ ये है। अब स्टार्ट और स्टॉप का थोड़ा सा अलग सा मामला भी बन सकता है। स्टार्ट वर्किंग, इससे ये और सीखना पड़ता है, एग्जाम में मैंने क्यों लिया है, इसके बाद में हमेशा एक वर्ब और आ जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्टॉप के बाद में भी आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें ही कवर कर दिया है, इंपरेटिव फॉर्म में ही है। मान लो कि एग्जाम में ऐसे दे दिया स्टार्ट और आपको भरवा दिया, भरवाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग। स्टॉप राइट, बहुत ही छोटी से दिख रहे हैं, टीचर्स भी बोलते रहते हैं एग्जामिनेशन में, नाउ स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर, ऐसा सुना हुआ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन में इसलिए स्टार्ट स्टॉप ले लिया। तो आपको दिखा दिया मैंने सारा लाइव एग्जाम्पल करके कि इफ़ यू नो द वर्ब्स एंड यू नो दिस फॉर्मेशन, यू कैन वेरी वेल स्पीक, यू कैन वेरी वेल राइट, एंड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो इट कम्स, स्पेशली दिस फॉर्मेट। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल। So again I request you, in every video I say please keep watching, don't discontinue, because sometime what happens, initially we start with lot of boom and then we deviate from there and then we lose the interest, so finally we come to the same place from where we started. So better you keep watching, and you can download the videos and you can keep watching if you want to save your data. I'm giving all the instruction and the whatever advice I can give you, जो कुछ भी मैं आपके लिए कह सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ वो कह रहा हूँ। सो प्लीज़ डू इट, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।